गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो गाइज, जैसे टाइटल और थंबनेल पे आप लोग देख ही लिए हैं कि आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्री फायर में 2-3 अपडेट्स आने वाला है, तो आज हम इस वीडियो में इसका एक्सप्लेन करने वाले हैं और डिटेल्स बताने वाले हैं, और साथ ही न्यू पांडा का जो रिलीज डेट है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो ज़्यादा बात को लंबाने करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए, आपको चैनल सब्सक्राइब करने लाइक लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पर हम लोग उस गेम में जो है एक न्यू अपडेट आया है आपको देखने के लिए मिल गया होगा यहाँ पर। और स्टोर पे चलते हैं तो हम लोग जो इसका क्या भाई, वो जो बंडल था ना दोनों, तो यहाँ पर हम लोग 25 डायमंड की स्पिन में मिल रहा था। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा शॉप पे अवेलेबल है कैरेट्स में। तो यहाँ पर आपको 25 डायमंड का जो स्पिन करना हो तो उसको अगर आपका लक सही रहा हो तो यहाँ पर सबको इनमें से कोई भी एक चीज़ मिलेगा। ये नहीं, गारंटी नहीं है कि आपको टोटल चीज़ मिल जाएगा, एक साथ इसमें से कोई भी एक चीज़ मिलेगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये फालतू है। और आपको यहाँ पर से इस पूरे सेट को लेने के लिए कम से कम मुझे तो लगता है आपको 2000 या फिर 5000-1500 डायमंड आपका फालतू का वेस्ट हो जाएगा। वो भी आपको मिलेगा भी नहीं मिलेगा पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक बंडल अगर एक ही बार निकलने का चांस रहता ना तो वो अलग बात है। यहाँ पर अगर आपकी ये निकल सकती है, ये निकल सकते, कुछ भी निकल सकते, इनमें से कोई भी एक चीज़ यहाँ से आपको निकल सकता है। तो जिसको ट्राई करने का चॉइस है वो यहाँ से ट्राई कर सकता है, बट मेरा जो आपसे रिकमेंड है वो आप यहाँ से इसे ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये किसी को नहीं मिलने वाला, मुश्किल है मिलना। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट अपडेट है उसके ऊपर। तो गाइस, हम लोग फर्स्ट अपडेट की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा इनक्यूबेटर है, अपकमिंग इनक्यूबेटर। अभी जो हम लोग की इनक्यूबेटर है इसमें आपको कोई भी बंडल्स देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ पर सिंपल हम लोग गन की स्किन मिल रही है, जो अस्कार की जो गन की स्किन है वो आपको देखने के लिए मिलती है, बट यहाँ पर हम लोग कोई भी बंडल देखने के लिए नहीं मिलती है। बट इस बार जो अपडेट्स आने वाले, 9 दिन बचा हुआ है इस इनक्यूबेटर में, तो इस बार जो नेक्स्ट बंडल जो आएगा तो यहाँ पर आपको ये वाला बंडल फीमेल का आप देख पा रहे हैं कि फीमेल का बंडल यहाँ पर आपको ये वाला देखने के लिए मिल जाएगा। तो फीमेल का बंडल भी बिल्कुल सही है। बात करें यहाँ पर मेल का, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेल का बंडल कुछ इस तरीके से देखता है, तो यहाँ पर आपको मेल का बंडल कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये दोनों बंडल, दोनों जो सेट है बिल्कुल ही सही है। और यहाँ पर जो जेंट्स वाला आने वाला, यानी कि मेल वाला जो आने वाला, इसमें आपको दो स्किन जो है देखने के लिए मिल सकती है। इस चीज़ के इनक्यूबेटर के अंदर ही दो, मतलब दो कलर का बंडल देखने के लिए मिल सकती है, दो टाइप का, मतलब दो स्किन मिल सकती है देखने के लिए। और फीमेल वाले में भी दो, फीमेल वाले में भी और मेल वाले में भी दो स्किन आपको देखने के लिए मिल सकती है, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट कलर का देखने के लिए मिल सकती है। तो ये थी इनक्यूबेटर की बात। अब बात कर लें यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चीज़ की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक बाइक की स्किन। तो ये बाइक की स्किन हालांकि आने के बाद कुछ दिन पहले ही हुई थी चर्चा इसके ऊपर, बट वो इस चीज़ को तभी नहीं दिया गया था। तो उसके बाद वहाँ पर जो है लाइटिंग बाइक का जो अपडेट है वो कर दिया गया था, बट इस बाइक को अपडेट नहीं किया गया था। बट यहाँ पर न्यूज़ फिर निकल के आ रही है कि इस बाइक को, इस स्किन को अब फिर से फ्री फायर के अंदर दिया जाएगा। और ये बाइक की स्किन भी देखने में बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। और इसमें आपको अगला बार जब हमको लाइटिंग बाइक मिला था ना तो उसमें लाइटिंग टाइप से निकल रहा था, बट इसमें आपको फायर टाइप से देखने के लिए मिलेगा। लगेगा कि मतलब पूरा बाइक पे आग लगा हुआ, जिसे हम लोग देखते हैं ना कोई गन की स्किन होती है अपने, मतलब हम लोग कोई भी बंडल्स होता है तो उसमें देखने में लगता है कि चारों तरफ से आग निकल रहा है, तो उस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी जो बाइक की स्किन है ये भी बिल्कुल सही है और देखने में बिल्कुल ही यूनिक सा लगता है। और ये जो मतलब आ सकता है, तो मतलब कोई भी जो स्किन आता है ना, खास करके कार का हुआ या फिर बाइक का हुआ, मतलब कोई भी स्किन आता है तो वो डायमंड का टॉपअप पे आता है। जिस कार का स्किन आया था 300 डायमंड टॉपअप के, 300 के डायमंड टॉपअप पे, उसका बाइक की स्किन आया था वो, मतलब जो भी चीज़ आता है ना वो टॉपअप पे ही आता है। तो मेरे ख्याल से ये भी जो स्किन जो आएगा ना ये भी डायमंड टॉपअप के ऊपर ही आएगा, और मेरे ख्याल से इस बार जो आएगा वो 300 डायमंड टॉपअप पे आएगा। बात कर लें यहाँ पर नेक्स्ट की पांडा की, तो पांडा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पांडा को जो हम लोग अनलॉक नहीं कर पाते हैं गेम के अंदर, ये है इसका सेक्शन खटार, मतलब टोटल लॉबी वॉबी सब इसका गेम के अंदर बन चुका है। बट ये जो अभी हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो मतलब बता रहा है कि अवेलेबल इज नॉट स्टोर, यानी कि स्टोर में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो डेट निकल के आ रही है, यहाँ पर आपको 5 तारीख को, मतलब 5 जुलाई को ये चीज़ आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो न्यूज निकल के आई है ये मतलब फ्री फायर की वेबसाइट से निकल के आई है। तो यहाँ पर आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर से इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं ले रखा है, तो ये अदर लैंग्वेज पे है। तो वो कोई भी चीज़, मतलब जैसे पांडा हुआ, फिर कोई भी चीज़ का अपडेट जो आता है ना तो वो हर जगह पर, मतलब हर कंट्री में एक ही साथ आता है। इवेंट का बात अलग है, इवेंट अगर हम लोग का आता है तो मतलब इंडिया में अलग इवेंट हो सकता है और अदर कंट्री में अलग इवेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कोई भी अपडेट्स की बात करें तो अपडेट जो है दोनों एक ही साथ, मतलब हर कंट्री में एक ही साथ अपडेट आता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि कल ही तो 5 जुलाई है, तो आपको देखते हैं कल तक ये चीज़ यहाँ पर हम लोग गेम के अंदर देखने के लिए मिलती है या नहीं मिलती। वैसे मिल जाना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत दिन हो गया आने से ना, तो यहाँ पर ये चीज़ को बहुत जल्दी दे देना चाहिए।
तो ये थी इसके बेसिक्स इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर दें। तो आज की वीडियो में इतना सा ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।